सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जनरली ऐसा देखा गया है कि एग्जाम्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग थोड़ा नीचे आ जाता है। रियल में अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो रसायन विज्ञान एक स्कोरिंग टॉपिक हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन इन क्वेश्चंस को विशेष रूप से रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर इस वीडियो में डाला गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, हमारा YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिशंस के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस डालती रहती है, इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब आइए वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस की जानकारी लेते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शंस दिया हुआ है लोहा, शीशा, सोडियम, तांबा। सही जवाब है सोडियम। सोडियम मोम की तरह कोमल होती है और इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, उदासीन, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी धातुओं में ऐसा गुण होती है कि वे इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है इसका मीथेन, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में आगे चलकर जो अभी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ईंधन है, इसके शॉर्टेज हो जाने के बाद हाइड्रोजन एक नए ऑप्शन के रूप में उभर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ऑप्शंस है गैस, ठोस, द्रव, एक घोल। इसका सही जवाब है कि ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं, द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और प्रेशर हाई होने की वजह से वह गैस जो है सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वह लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ठोस नहीं है? पोटेशियम, पारद, सोडियम, ये सभी। इसका सही जवाब होगा पारद। पारद यानी पारा को कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कह सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं, बाकी
जो दो ऑप्शन है पोटेशियम और सोडियम, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? ऑप्शन है लिग्नाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, कॉपर। इसका आप सही जवाब है बॉक्साइट। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शंस दिया हुआ है क्षार, भस्म, अम्ल, लवण। सही जवाब है अम्ल। एसिड्स नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, सोडियम, स्टांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण ही आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है इसका लिथियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम। प्याज लहसुन में गंध का कारण है पोटेशियम यौगिक। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। ऑप्शन है इसका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सही जवाब होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है और इसके कारण परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों का मान समान होता है। नेक्स्ट, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण के कारण होता है? इसके अपवर्तनांक के कारण या कुचालकता के कारण या उच्च मूल्य के कारण या इसकी कठोरता के कारण? इसका सही जवाब होगा इसका अपवर्तनांक काफी उच्च होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होती है। नेक्स्ट, भारी जल का अनुभार है 18, 20, 22, 25। भारी जल में हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम समस्थानिक होता है
जिसके कारण भारी जल का अनुभार 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किस पदार्थ की बनी होती हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है, ग्रेफाइट की, पीतल की, जस्ते की, तांबे की। तो ये धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की बनी होती हैं। नेक्स्ट, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है, उत्प्रेरण, विस्थापन, संयोजन, किण्वन। इसका सही जवाब है फर्मेंटेशन, यानी जिसको किण्वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण या टार्किक अम्ल की उपस्थिति के कारण? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? सिडरोसिस, विल्सन बीमारी, घेंघा, अरक्तता। तो तांबा की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्तियों में विल्सन बीमारी होती है। नेक्स्ट, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, जिंक ब्लेंड, मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड। सही जवाब है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक यौगिक है? जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इन चार ऑप्शंस में से क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है, बाकी तीन अकार्बनिक यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कहलाता है? पैराफिन मोम, मधुमक्खी का मोम, जोजोबा मोम, कोर्नोब मोम। तो जो मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, उसे हम पैराफिन मोम कहते हैं। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है?
गोंद, पेट्रोलियम, अर्न मोम, कोलतार। व्यावहारिक वैसलिन हम पेट्रोलियम पदार्थ से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, मीथेन। सही जवाब है ऑक्टेन। और पेट्रोल की शुद्धता हम ऑक्टेन नंबर से पता करते हैं। अगला क्वेश्चन। मिथेन अणु की आकृति कैसी होती है? कोणीय, समचतुष्फलकीय, रैखिक, समतलीय। मिथेन अणु की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। अगला क्वेश्चन। कौन सा प्लास्टिक का प्रयोग खाने के पदार्थ को पैक करने में किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। इनमें से कोई नहीं। तो इस कार्य के लिए पॉलीएथिलीन प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लाह क्या है। ऑप्शन है इसका एक प्राकृतिक बहुलक, एक कृत्रिम बहुलक, एक प्राकृतिक अपरूप, एक कृत्रिम अपरूप। सही जवाब है कि लाह एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट। प्रयोगशाला में तैयार किया गया सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इथेन, यूरिया, एथिलीन, मिथेन। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक सिंथेसिस किया गया था वह था यूरिया। पहले ऐसा मान्यता था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यूरिया का सबसे पहले सिंथेसिस कर यह सिद्धांत का खंडन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं किडनी, आंत, लीवर, हृदय। अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से, चूंकि शराब में इथाइल अल्कोहल होती है और इसके सेवन से व्यक्ति की लीवर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है लीवर। नेक्स्ट। मोटर कारों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। तो कैंसरस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट। विश्व में खनन किए जाने वाले अधिकांश कोयले का प्रकार होता है लिग्नाइट,
एंथ्रासाइट, पीट, बेटोमिनस। तो सबसे अधिक मात्रा होती है बेटोमिनस की। लास्ट में यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी व्यूअर्स से अपील की जाती है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।